हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर रूडिमेंट्स। आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बहुत ही एक पसंदीदा टॉपिक एग्जामिनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप सोचो डिसऑनेस्ट सेलर से आपने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे होंगे, जब भी मतलब कोई भी एग्जाम आप देते हो या कहीं भी आपने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस देखे, वहां पे आप एक क्वेश्चंस पक्के से देखोगे कि आर डिसऑनेस्ट सेलर या डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, ऐसे करके आपको क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, बेसिकली ये कुछ नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस के ही ये क्वेश्चंस है। थोड़ा देने का ये तरीका है, क्वेश्चंस देने का थोड़ा ट्रिकी बना के कि स्टूडेंट्स थोड़ा कंफ्यूज हो जाए, और एक मतलब इसके ऊपर हाइप बना के रख दिया इस क्वेश्चन के ऊपर। बेसिकली कुछ नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस का ही एक वीडियो है, प्रॉफिट एंड लॉस का ही एक टाइप है। कुछ कुछ क्वेश्चंस में आपको मिक्सचर के कंसेप्ट भी यहां पे ऐड करने पड़ते हैं। तो चलिए देख लेते हैं हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। जैसे मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल आप क्वेश्चन पेपर में ट्राई कीजिए वैसे ही करने का, एकदम सेकंड्स में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जो डर है कैंडिडेट्स का इस टाइप के क्वेश्चंस को लेके, वो आशा करता हूं मैं ये वीडियो देखने के बाद बिल्कुल ही दूर हो जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे। ये हमारा 15th टाइप है जो हम प्रॉफिट एंड लॉस में इतना टाइप वाइज एक्सप्लेनेशन कवर करते आए हैं। सारे टाइप्स हमने कवर किया है, ये हमारे 15th टाइप है जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स ऑन डिसऑनेस्ट सेलर। ठीक है, पहले मैं थोड़ा कंसेप्ट आपको बता देता हूँ। अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस में जो मैंने सीरीज निकाला है उसका आपने अगर थर्ड वीडियो देखा होगा, तो वहाँ पर मैंने एक कंसेप्ट कवर किया था आपके लिए। वो था आपका क्या कि इक्वल कंसेप्ट ऑफ इक्वल अमाउंट्स। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ इक्वल अमाउंट्स मैंने कवर किया था, कंसेप्ट ऑफ इक्वल अमाउंट्स। तो वो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको बोलूंगा, रिकमेंड करूंगा कि आप पहले जाके वो वीडियो देख ले, ताकि आपको ये वाला जो चैप्टर है वो बहुत अच्छे से समझ में आए। ठीक है, वो थर्ड वीडियो था। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ओके देख लीजिएगा, इसी सीरीज का थर्ड वीडियो है। तो बेसिकली होता क्या है, जब भी आपका सोच लीजिए कि जितना अमाउंट आप सोच लीजिए शॉपकीपर है, ठीक है, जितना अमाउंट आप स्पेंड कर रहे हो, ठीक है, टोटल मतलब खरीदने में, रिपेयर उसको करने में, जितना भी हो, मतलब टोटल कॉस्ट आपका इनकर हो रहा है, अगर वो आपका होता है इक्वल टू अमाउंट रिसीव्ड, मतलब जितना आपको पैसा कस्टमर से मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि दोनों केस में डिफरेंट क्या हो जा रहा है, क्वांटिटी आपका डिफरेंट हो जा रहा है। ठीक है, आपके दोनों केस में क्वांटिटी डिफरेंट हो जा रहा है। जब भी आपका अमाउंट स्पेंट और अमाउंट रिसीव्ड क्वेश्चन में सेम बोल रहे हैं या कोई प्रॉफिट एंड लॉस आपका बोल रहे हैं, इसका मतलब जो क्वांटिटी है वो डिफरेंट हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको कैसे करना होता है, जो भी आपका क्वांटिटी दिया रहेगा, ठीक है, एक बाइंग टाइम में क्वांटिटी रहेगा, एक सेलिंग टाइम में क्वांटिटी रहेगा। अगर बाइंग टाइम में आपका क्वांटिटी Q1 Q2 होता है, ठीक है, हमेशा याद रखिए जो प्राइस होता है, ये जो प्राइस होता है वो होता है आपका इनवर्स ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, जो भी आपके क्वांटिटी का रेशियो निकलेगा उसका आपको इनवर्स करना है इन द केस ऑफ प्राइस। तो यहाँ पे आ जाएगा Q2, यहाँ पे आ जाएगा Q1। तो अब यहाँ से आप प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकालेंगे, इन दोनों का आपको डिफरेंस निकालना है। ठीक है, इन दोनों का आपने डिफरेंस निकाल लिया। ठीक है, अगर ये ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव में आंसर आता है, सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ मैंने उल्टा लिख दिया, Q1 माइनस Q2, ठीक है, सेलिंग के टाइम में जो प्राइस है उससे बाइंग के टाइम का जो प्राइस है वो माइनस करना है। अगर ये पॉजिटिव में आता है मतलब आपका प्रॉफिट है। ठीक है, और परसेंटेज तो आप निकाल ही सकते हो, जो डिफरेंस निकलेगा उसको Q2 से डिवाइड करके आपको इनटू 100 करना है। और अगर आपका ये जो है वो आपका लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव में आंसर आता है, यानी कि लॉस हुआ है, और अगर इक्वल टू जीरो आता है मतलब नो प्रॉफिट नो गेन। ठीक है, यहां से एक शॉर्टकट मैं आपको बता देता हूं, अगर आप सीधे सीधे उसको इस्तेमाल करना चाहते हो, शॉर्टकट नहीं मैं उसको फॉर्मूला बोलूंगा, मैंने थर्ड वीडियो में ये बता दिया था। हमेशा जो आपका परसेंटेज प्रॉफिट होता है या परसेंटेज लॉस होता है, परसेंटेज प्रॉफिट आप ऐसे याद रखो, आइटम्स रिमेनिंग, ठीक है, जितना आइटम्स उसके पास बचा हुआ है, डिवाइडेड बाय जितना आइटम्स उसने सेल किया है, आइटम्स सोल्ड इनटू 100। ये आप फॉर्मूला सीधे सीधे याद रख सकते हो। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इस कंसेप्ट को यूज करके, जितने भी सारे डिसऑनेस्ट सेलर या डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का जो हम क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर में, उसको सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को अच्छे से पहले पढ़िए, ओके, क्वेश्चन को हमेशा आप क्वेश्चन पेपर में थोड़ा टाइम दीजिएगा, जरूरत पड़े तो 10 सेकंड एक्स्ट्रा दीजिए, पर क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़िए। अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर यूजेस अ 800 ग्राम वेट इंस्टेड ऑफ 1 किलोग्राम वेट। ठीक है, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट इफ ही सेल्स पर किलोग्राम एट द सेम प्राइस एज ही बाइज अ किलोग्राम। तो हो क्या रहा है, कुछ सामान है, ठीक है, कुछ सामान है, उसका वो 1 kg खरीद के ला रहा है कुछ एक सर्टेन प्राइस पे। ठीक है,
अब बेचने के टाइम पे क्या कर रहा है, वो कस्टमर को धोखा क्या दे रहा है, वो बोल रहा है कि जिस प्राइस में मैं खरीदा हूं मैं आपको उसी प्राइस में बेच रहा हूं, ओके सेम प्राइस में आपको दे रहा हूं, बट वो चुपके से क्या कर रहा है, यहां पे आपका फॉल्स वेट का यूज कर रहा है, ओके ये आप रियल लाइफ में जो जो लोग शॉपिंग करने जाते हो, लोकल वेजिटेबल्स शॉप बोलो या ग्रॉसरी के स्टोर बोलो, बहुत लोगों का ये डर रहता है कि कहीं जो वेट यूज कर रहे हैं, आपने देखा होगा वो आयरन के जो वेट्स रहते हैं छोटे छोटे, 1 किलो का रहता है, 500 ग्राम का रहता है, वो कहीं पे गलत ना हो, हमेशा लोगों के दिल में वो डर रहता है। तो ये जो बंदा है, ये जो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है, वो वैसा ही एक फंडा अपना यूज कर रहा है, वो 1 किलोग्राम दिखा तो रहा है कि 1 किलो का उसके पास वेट है, बट एक्चुअल में उसका वेट है 800 ग्राम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, ये मैं बस आपको समझाने के लिए बता रहा था, आपको क्वेश्चन पेपर में ये सब कुछ नहीं करना है। ठीक है, सीधे सीधे आप कैसे करेंगे, देखिए एक बाई ऐसे लिख दीजिए, एक सेल ऐसे लिख दीजिए, ठीक है, बाइंग और सेलिंग हो रहा है, तो बाइंग के टाइम पे वो कितना क्वांटिटी खरीद रहा है, वो 1 किलोग्राम खरीद रहा है, मतलब 1000 ग्राम है ना, 1 किलोग्राम मतलब आपका 1000 ग्राम, दोनों मेट्रिक्स आपको सेम यूज करना है, आप 1 किलो का इधर यूज करोगे किलो और वहां पे यूज करोगे ग्राम, ऐसे आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, आपको सेम मेट्रिक यूज करना है। सेलिंग के टाइम पे उसी पैसे में वो कितना बेच रहा है, 800 ग्राम बेच रहा है, जिस पैसे में वो 1000 ग्राम खरीद रहा है उसी पैसे में वो 800 ग्राम बेच रहा है, तो इसका रेशियो कितना आ गया, 5:4। ठीक है, 200 से हमने डिवाइड किया, 5:4, तो मैंने क्या बोला था, प्राइस का जो रेशियो है वो हमेशा क्वांटिटी के रेशियो का इन्वर्स हो गया, तो प्राइस का मेरा आ गया 4:5, मतलब 4 यूनिट्स वो खरीद रहा है, 5 यूनिट्स वो बेच रहा है, तो यहां पे देखिए ये डिफरेंस कितना हुआ, +1, मतलब उसका प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, 1/ जिस प्राइस में वो खरीद रहा है × 100, तो ये आपका आ गया 25%। ठीक है, 25%, बहुत ही आसान सवाल है, 4 से 5 सेकंड में सॉल्व होना चाहिए, ओके बस ये जब भी कैंडिडेट्स ये वेट देख लेते हैं, बहुत कैंडिडेट से मैंने सुना है ये वेट वाले क्वेश्चन में वो कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं, तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आप अच्छे से समझिए, अगर आप फॉर्मूला यूज करना चाहते हो तो फॉर्मूला यूज करके भी आप इसको कर सकते हो, सिंपली देखिए क्वेश्चन देख के ही सॉल्व हो जाएगा। हो क्या रहा है, देखिए सेल वो कर रहा है कम वेट, मतलब हमेशा प्रॉफिट होगा, ठीक है हमेशा प्रॉफिट होगा, जब भी याद रखिए एक जो शॉपकीपर या सेलर आप जो भी बोल लो, अगर उसके खरीदने का क्वांटिटी ज़्यादा है और बेचने का क्वांटिटी कम है तो ये हमेशा प्रॉफिट होता है, ओके तो देखिए यहाँ पे कितना आइटम रिमेनिंग रह गया, उसका 200 ग्राम रिमेनिंग रह गया है उसके पास, कितना वो बेच रहा है, डिवाइडेड बाई 800 × 100, जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, आइटम्स रिमेनिंग डिवाइडेड बाई आइटम्स सोल्ड × 100, तो ये भी आपका 25% आंसर आ जाएगा। तो ऐसे भी आप अगर ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है, सीधे सीधे ये फॉर्मूला यूज करके भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, समझ में आया। ठीक है, चलिए ऐसे और क्वेश्चंस देख लेते हैं, ये मैं एकदम बेसिक लेवल का जो क्वेश्चन है वहाँ से स्टार्ट कर करके एकदम एडवांस लेवल के क्वेश्चन में जाऊंगा, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके कोई भी एग्जाम आप बोल लीजिए, एसएससी का एग्जाम बोल लीजिए, बैंक पीओ या बैंक क्लरिकल का एग्जाम बोल लीजिए, रेलवेज के एग्जाम बोल लीजिए जहाँ पे मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं, जो कैंडिडेट्स कॉलेज में प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी मैं बोलूंगा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इससे पहले प्रॉफिट एंड लॉस के वीडियोज अगर आपने सारे नहीं देखे तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, इसके साथ साथ हमने मिक्सचर एंड एलिगेशन का बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट यूज करके सारे जितने टाइप के क्वेश्चंस वहां पे आ सकते हैं वो भी हमने वीडियो निकाले हैं, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप सारे वीडियोस को देख लीजिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, बोला क्या है फिर से क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, अ डिसऑनेस्ट बिजनेसमैन professes to sell his articles at cost price, ठीक है वो दावी तो कर रहा है कि मैं जो मेरा आर्टिकल है वो मैं कॉस्ट प्राइस पे ही सेल कर रहा हूँ, वो कस्टमर को बोल रहा है कि जो भैया मैंने जिस प्राइस पे खरीदा है मैं आपको उसी प्राइस पे बेच रहा हूँ, बट यूजेस फॉल्स वेट्स विथ विच ही चीट्स बाई 10% वाइल बाइंग एंड बाई 20% बाई सेलिंग, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज। देखिए पिछले क्वेश्चन में क्या हुआ था, पिछले क्वेश्चन में वो खरीदने के टाइम पे तो प्रॉपर वेट यूज करके ही खरीद के लाया, वो सेलिंग करने के टाइम पे फॉल्स वेट यूज कर रहा है,
ये वाला जो क्वेश्चन है वो उसी का ही थोड़ा मॉडिफिकेशन है। इसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पे सेलिंग के टाइम पे तो वो झांसा दे ही रहा है कस्टमर को, साथ ही साथ वो खरीदने के टाइम पे भी फॉल्स वेट का यूज कर रहा है, जिससे उसे वहां पर भी 10% ज्यादा सामान उसको मिल रहा है उसी प्राइस पे। ठीक है, तो यहाँ भी हम वही करेंगे, एक बाइंग हो गया, ठीक है, एक बाई टाइम हो गया, एक सेल हो गया। तो क्वांटिटी हम कैसे करेंगे, देखिए क्वांटिटी जब बाई कर रहा है तब उसको कितने प्रतिशत से वो चीट कर रहा है, 10% से। इसका मतलब क्या होता है, सपोज उसको 100 किलोग्राम या 100 ग्राम कोई चीज खरीदना था उस प्राइस पे, वहां पे वो 10% का चीट कर रहा है, मतलब वहां पे उस चीज के बदले वो 110 यूनिट ले रहा है, जहां पे उसको 100 मिलना था वहां पे उसको 110 मिल रहा है, ठीक है। एंड बाई 20% बाई सेलिंग, अब बेचने के टाइम पे चीट कर रहा है, मतलब क्या, वो कम सामान देगा, ठीक है, हमेशा याद रखिए यहाँ पे आप 120 मत कीजिएगा, सेलिंग के टाइम पे वो चीट कर रहा है, मतलब जो सेलिंग क्वांटिटी है वो कम हो जाएगा। आप खुद लॉजिकली सोच के देखिए, आप एक दुकानदार है, आप कहीं से चीज़ खरीद के ला रहे हैं, खरीदने के टाइम पे आप क्या कोशिश करेंगे कि जितने से जितने कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा सामान आए। तो जब भी चीटिंग कर रहा है या प्रॉफिट बोला जा रहा है वाइल बाइंग, तो हमेशा वहाँ पे क्वांटिटी ज़्यादा होगा, ओके। और सेलिंग के टाइम पे जो क्वांटिटी बोला गया है परसेंटेज, उतना आप कम करेंगे, क्योंकि बेचने के टाइम पे आपका मेंटेलिटी होना चाहिए कि भैया जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस में मैं कस्टमर को कम से कम चीज़ दे पाऊँ, ओके। तो यहाँ पे देखिए क्वांटिटी का रेशियो कितना आ गया, 11:8। तो प्राइस का रेशियो हमेशा क्वांटिटी के रेशियो के इनवर्स होगा, तो 8:11 हो गया, ओके। यहाँ पे गैप कितना हो गया, 3 का प्लस 3 यानी कि प्रॉफिट, तो यहाँ पे सीधे सीधे क्या हो गया आपका, 3/8। अगर प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है 3/8 × 100, ओके 300/8। अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूँ तो ये आपका हो गया 150 और 4 75 और 2, मतलब 37.5% इसका आंसर था, ओके। ये अगर आपको बाय यूजिंग फॉर्मूला सॉल्व करना है तो ये वाला लाइन बस आपको लिखना था, ओके। तो यहाँ पे होना क्या था, आइटम्स रिमेनिंग कितना हो गया 30 और आइटम सेल कितना हुआ 80 × 100, ओके। तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के, बस आपको ये लाइन लिखना था, जिस कैंडिडेट्स को जो सही लगे आप वैसे कीजिए, ठीक है। आपको मार्क्स मिले वही हमारी इच्छा है, आपको सही मार्क्स मिले, ओके। चलिए देख लेते अगला क्वेश्चन। अब देखिए अभी तक हम डील कर रहे थे कि दोनों साइड का प्राइस सेम है, मतलब जो सेलर है वो बोल रहा है कि जिस कॉस्ट प्राइस में मैं खरीद के लाया हूं मैं उसी प्राइस में बेच रहा हूं। बट अब हम कौन से क्वेश्चंस में डील करेंगे कि वो खरीद के जिस प्राइस पे लाया है अब उसके ऊपर कुछ प्रॉफिट करके तो वो बेच नहीं रहा है, मतलब प्राइस तो ज़्यादा कर रहा है, सपोज 100 रुपये में खरीद के ला रहा है 110 में बेच रहा है, बट साथ ही साथ वो गलत वेट्स का भी इस्तेमाल कर रहा है, मतलब चुपके से, मतलब कस्टमर को झांसा देके वो और ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा है, जो कि कस्टमर को समझ में भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में फंस जाते हैं। अब बोला क्या है, अ डिसऑनेस्ट क्लॉथ मर्चेंट यूजुअली सेल्स क्लोथ एट 10% प्रॉफिट, ठीक है। तो याद थोड़ा ध्यान दीजिए, मतलब बाइंग के टाइम पे अगर मैं प्राइस को लेके डिस्कस करूँ, बाई के टाइम पे और एक है सेलिंग के टाइम पे, ठीक है। बाइंग के टाइम पे सपोज सोच लीजिए वो 100 में खरीद रहा है, सेलिंग के टाइम में कितने में होगा, 110 में, क्योंकि यहाँ पे बोला है 10% का प्रॉफिट है। इतना तो क्लियर है बात, ओके, इतना क्लियर है, मतलब आपको प्राइस का जो रेशियो हुआ, प्राइस का जो रेशियो हुआ वो आपका आ गया 10:11। इतना क्लियर है कि नहीं, है ना, ये तो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। अब आप क्वांटिटी के बारे में सोचिए, बाइंग के टाइम पे, ठीक है, यहाँ पे मैं फिर से बाई लिखता हूँ आपको समझाने के लिए, बाइंग के टाइम पे वो क्वांटिटी कितना है, क्वांटिटी उसका है देखिए मीटर स्केल, 1 मीटर वो खरीद के ला रहा है, तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। और सेलिंग के टाइम पे वो एक फॉल्टी मीटर स्केल दिखा रहा है, मतलब उसका जो स्केल है उसके पास कपड़ा मापने का, उसमें उसको दिखा तो रहा है 1 मीटर बट एक्चुअली वो 80 सेंटीमीटर का है, तो ये आपका यहाँ पे कितना हो गया, 80 सेंटीमीटर, ओके। तो क्वांटिटी का रेशियो कितना आ गया, 5:4। इतनी बात समझ में आई है कि नहीं, ठीक है, 5:4 उसका क्वांटिटी का रेशियो हो गया। मतलब अगर आप इफेक्टिवली देखो
दोनों को अगर कंबाइन करके लॉजिकली देखो तो हो क्या रहा है, वो 5 यूनिट्स, ये जो 5 यूनिट्स है वो 5 यूनिट्स खरीद रहा है 10 रुपए पे। हम ऐसा बोल सकते 5 यूनिट्स वो खरीद रहा है 10 रुपए पे और 4 यूनिट्स वो खरीद रहा है 11 रुपए पे, है ना। 5 यूनिट्स ही इज बाइंग फॉर ₹10 एंड 4 यूनिट्स ही इज बाइंग फॉर ₹11। आप क्वांटिटी को इक्वेट कर दीजिए, ठीक है। जब भी आपके पास क्वेश्चन आए आप हमेशा याद रखिए आपको या तो क्वांटिटी को इक्वल बनाना पड़ेगा या तो प्राइस को इक्वल बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन में आप कोशिश कीजिए, क्वेश्चन जब आपका पेपर ओरिजिनली आप दे रहे हो क्वांटिटी को इक्वल बनाइए, क्योंकि अल्टीमेटली आप प्राइस को लेके ही डील कर रहे हो। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, ये जो पूरा इक्वेशन है इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना आ गया ₹24.40, ठीक है। और ये जो इक्वेशन है इसको पूरा 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना हो गया ₹24.55। प्लस 15 यहाँ पे डिफरेंस हुआ, मतलब सेलिंग के टाइम पे ₹15 ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे ये प्रॉफिट का केस है, ओके। दिस इज प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट परसेंटेज हो रहा है, 15 डिवाइडेड बाई बाइंग प्राइस जो है इंटू 100, ठीक है। तो ये आपका कितना हो गया, ये इसको अगर आप काट ऑफ 4 से तो 150/4 मतलब आपका 37.5, ठीक है। देखिए कितने अच्छे से ये कंसेप्ट, बहुत कैंडिडेट्स को ये वाला जो क्वेश्चन है कि जहाँ पे नॉर्मल एक सेलिंग प्राइस में तो प्रॉफिट कर ही रहा है फिर फॉल्टी वेट यूज़ कर रहा है, तो बहुत कैंडिडेट्स इसमें फंस जाते हैं, ठीक है। बहुत कैंडिडेट्स फंसते हैं यहाँ पे, तो वो कैंडिडेट्स के लिए मैं बोलूँगा ये आप एकदम अच्छा किया आपने ये वीडियो देखा है, क्योंकि अब से आपको ये क्वेश्चन बनना चाहिए। कभी भी आप ये क्वेश्चन गलती नहीं करोगे अगर आप ये मेथड जो है ये आप अभी के अभी अच्छे से अगर आपने सीख लिया है तो, ठीक है। चलिए देख लेते अगला क्वेश्चन। A shopkeeper sells his goods at 25% loss. तो देखिए अभी तक तो हम बात कर रहे थे कि वो प्रॉफिट में बेच रहा है, बट अब क्या उसके लॉस में आ गया। तो पहले हम प्राइस की बात कर लेते हैं, ठीक है। पहले प्राइस की बात कर लेते हैं, तो buy और यहाँ पे sell, पिछले क्वेश्चन की तरह इस क्वेश्चन में मैं सारे स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा, मैं कोशिश करूंगा कम स्टेटमेंट्स में आपको दिखाने का, ताकि आप एग्जाम में भी वही चीज़ रिपीट करो। तो आप सोच लीजिए बाइंग के टाइम पे सपोज वो 100 रुपीज़ में खरीद रहा है, तो 25% लॉस मतलब कितना होता है आपका 75, है ना। 25% लॉस यानी कि 75, तो इसका रेशियो कितना आ गया आपके प्राइस का रेशियो, प्राइस का जो रेशियो है वो आपका आ गया कितना बोलिए, 4:3, है ना। 25 से ये डिवाइड हुआ 4:3। अब आते हैं क्वांटिटी पे, ये प्राइस का हो गया, अब क्वांटिटी पे बोला क्या है, ही यूजेस फॉल्स वेट्स ऑफ 20%, मतलब बाइंग के टाइम पे वो 100 ग्राम तो खरीद रहा है बट सेलिंग के टाइम पे वो 80 ग्राम बेच रहा है, ऐसे सोच लीजिए, ओके। वही हुई ना बात कि अगर वो बोल रहा है कि फॉल्स वेट यूज कर रहा है, मतलब सेलिंग के टाइम पे 20% का फॉल्स वेट है, मतलब 80 ग्राम में उसका एक्चुअल है, तो आपका इसका क्वांटिटी कितना आ गया, 5:4, है ना। अब मैंने क्या बोला था आपको, जो क्वांटिटी है उसको आप इक्वेट कीजिए हमेशा, ये रेशियो हो गया, ओके। जो क्वांटिटी है आप उसको इक्वेट कीजिए, तो इधर मैं थोड़ा इंक का कलर अलग ले लेता हूं आपको समझाने के लिए। तो इसको मैं कैसे करूंगा, ये अगर मैं इक्वेट करूंगा तो ये कितना हो गया 20, 20, कैसे मैंने किया, 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया, तो ये भी इंटू 4 हो गया, तो ये आपका कितना आ गया 16, ओके। और 4 को मैं कितने से मल्टीप्लाई करूंगा कि 20 आया, 5 से मल्टीप्लाई किया, तो यहां पे आपका आ गया 15, बात समझ में आई। तो यहां पे देखिए क्या हो रहा है, -1 हो रहा है, 16 से 15 जाने के लिए आपका -1 हो रहा है, मतलब यहां पे ये लॉस का केस है, यहां पे प्रॉफिट नहीं हो रहा है, यहां पे लॉस हो रहा है। कितने परसेंट का लॉस हो रहा है, 1/ जो बाइंग प्राइस है, ठीक है, 1/16 × 100, ये इसका है लॉस का परसेंटेज, ओके, ये इसका है लॉस का परसेंटेज, तो ये आपका आ जाएगा 6.25% लॉस, मतलब यहां पे आपका ए आंसर है। क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो रिपीट करके देखिए, आपको एग्जाम में बिल्कुल यहां मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं डिफरेंस समझाने के लिए कि ये प्राइस वाला साइड है और ये क्वांटिटी वाला साइड है, आपको एग्जाम में ऐसे ही करना है, बिल्कुल 10 सेकेंड के अंदर आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ओके। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोला गया है, यहाँ पे मैं इंक का कलर फिर से वापस रेड कर लेता हूँ। अगला क्वेश्चन बोला गया है, अ डिसऑनेस्ट मिल्क सेलर सेल्स मिल्क
at 20% gain, ठीक है, and he adds water in the ratio 4:1 in it, what is his total percentage? तो यहाँ पे देखिए वही बात हो गया कि उसका वो जो सेल कर रहा है वो पहले ही उसमें 20% का प्रॉफिट तो कर रहा है. तो अगर मैं प्राइस को लेके बात करूँ तो बाइंग के टाइम पे उसका प्राइस कितना है सपोज 100 और सेलिंग के टाइम पे प्राइस कितना हो जा रहा है 120, ठीक है, यानी कि इसका जो रेशियो है वो कितना है 5:6 की रेशियो है प्राइस के टाइम पे. ओके, अब मुझे बात है कि क्वांटिटी मैं किसको कंसिडर करूँ, इधर पे मिल्क है यहाँ पे वाटर ऐड कर दिया है. तो अगर आपने मिक्सचर एंड एलिगेशन वाला चैप्टर अगर आपने देखा होगा तो थोड़ा बहुत आइडिया आपको हो जाएगा. हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे जो मिल्क का कंसंट्रेशन है उसको लेके कंसिडर करेंगे, ठीक है. बाइंग के टाइम पे तो हम सोच लेते हैं कि 100 ही उसका पूरा है, 100 लीटर्स या कुछ भी आप समझ लो, 100 यूनिट्स हम कंसिडर कर लेते हैं कि बाइंग के टाइम पे उसका 100 यूनिट्स जो है वो उसका मिल्क का कंसंट्रेशन है. आपको जो सेलिंग के टाइम पे कंसंट्रेशन है वो निकालना है. तो उसको हम कैसे निकालेंगे, यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ मिक्सचर एंड एलिगेशन. तो प्राइस लिखिए, देखिए एक हुआ आपका मिल्क, मिल्क के साथ आप वाटर ऐड कर रहे हो, ओके. तो 100 मिल्क का प्राइस है, वाटर की कोई कीमत नहीं है, ठीक है. ट्रायंगल मैं अप्लाई कर रहा हूँ. अगर आपने मिक्सचर के चैप्टर्स नहीं देखे तो 6 वीडियोस हमने निकाले हैं मिक्सचर के, अब वहाँ पे जाके देखिए ये मेथड यूज़ करके जितने भी सारे क्वेश्चन आपको मिक्सचर और एलिगेशन से आ सकते हैं सारे क्वेश्चन को वहाँ पर कवर किया है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है. अब यहाँ पे मिक्सचर पे जो मिल्क का कंसंट्रेशन है वो मुझे नहीं पता. मिल्क में मिल्क की कंसंट्रेशन 100% होगी, वाटर में मिल्क का कंसंट्रेशन 0% होगा, पर मिक्सचर में कितना होगा वो हमको निकालना है. हमको ये पता है कि मिल्क का क्वांटिटी 1 है, वाटर की क्वांटिटी 1 है, टोटल क्वांटिटी 5 हो गई, ठीक है. और इस साइड का डिफरेंस कितना आ गया 100, ठीक है. यहाँ राइट टू लेफ्ट छोटे से बड़े की तरफ जा रहा है, मतलब 5 आपका 100 है, 5 आपके 100 के बराबर है. तो ये जो साइड है 4 जो है वर्टेक्स है, पॉइंट है 4, वो इस साइड से रिलेट करेगा. तो 4 कितने के बराबर होगा, 480 के बराबर होगा. यहाँ पे 80 आ गया, 0 के साथ 80 प्लस करो आपका 80 आ गया, ठीक है. जो कैंडिडेट्स पहली बार ये देख रहे हैं ऐसे मेथड जो मैं कर रहा हूँ बिल्कुल कम टाइम में ये सॉल्व होता है, आप मिक्सचर एंड एलिगेशन के वीडियोस पक्के से देखिएगा, ठीक है. तो सेलिंग के टाइम पे मिल्क का कंसंट्रेशन कितना हो जा रहा है 80, तो यहाँ पे आपका रेशियो कितना आ गया, यहाँ पे रेशियो आ गया 5:4 का, ओके. अब मैंने क्या बोला था आपको, प्राइस या तो इक्वेट करना है या तो आपको क्वांटिटी इक्वेट करना है. आप हमेशा कोशिश कीजिए कि जो क्वांटिटी है आप उसको इक्वेट कीजिए. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये क्वांटिटी को हम इक्वेट करने की कोशिश करेंगे. कैसे करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो ये आपका आ गया यहाँ पे 20, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो ये आपका आ गया 20. सेम चीज़ यहाँ पे हम करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपका आ गया 20, और इसको हमने 5 से मल्टीप्लाई किया था, ठीक है. सेलिंग के टाइम पे हमने देखिए यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना हो गया +10, मतलब प्रॉफिट का केस है, ठीक है. प्रॉफिट परसेंटेज कितना निकलेगा आपका, 10 यहाँ पे आया था, ठीक है. माफ़ कीजिएगा, इसको मैं इरेज कर देता हूँ. तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज कितने का होगा, प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ पे आपका आया है 10, ठीक है. प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो आपका 10 डिवाइडेड बाय जो आपका बाइंग प्राइस है, ये आपका बाइंग प्राइस है, ठीक है. तो बाइंग प्राइस इनटू 100 यहाँ पे आपको हो जाएगा 50% का प्रॉफिट, जो कि आंसर है आपका यहाँ पे सी, ठीक है. समझ में आया क्वेश्चन एकदम. अगर नहीं समझ में आता है तो ये जो दो क्वेश्चंस, लास्ट का क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, आप रिपीट करके फिर से देखिए, ठीक है. बहुत एग्जाम में बहुत अच्छा, मतलब ये रिपीट होता ही रहता है, ओके. चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन. अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर मार्क्स अप द प्राइस. अब देखिए यहाँ पे हम पहले क्वेश्चन में सिर्फ प्रॉफिट परसेंटेज देख रहे थे कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का लॉजिक आ गया. अब यहाँ पे हम डील करेंगे कि एक मार्क प्राइस भी इन्वॉल्व हो जा रहा है. तो क्वेश्चन को आप पहले अच्छे से पढ़िए. अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर मार्क्स अप द प्राइस ऑफ हिज आर्टिकल्स बाय 20% एंड गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 10% टू द कस्टमर. ही ऑल्सो यूजेज अ फॉल्स वेट ऑफ 900 ग्राम इंस्टेड ऑफ ए 1 किलोग्राम वाइल सेलिंग. फाइंड हिज टोटल परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट. तो सेम तरीके से अगर मैं प्राइस के बारे में बात करूं तो बाइंग
और सेलिंग, तो उसको हम कैसे करेंगे? देखिए कॉस्ट प्राइस है, मार्क प्राइस है और सेलिंग प्राइस है। तो कॉस्ट प्राइस अगर 100 है, 100 के ऊपर बोल रहा है 20% मार्कअप हो रहा है, 20% प्लस हो रहा है, मतलब आपका मार्क प्राइस आ गया 20। ओके, अब मार्क प्राइस के ऊपर वो कितने का डिस्काउंट दे रहा है, 10% का वो डिस्काउंट कर रहा है, मतलब माइनस होगा। तो ये आप वर्बली करोगे, 120 का 10% कितना होता है, मतलब 1/10, 10% जो होता है वो होता है 1/10। तो यहाँ पे 12 माइनस हो गया आपका 108। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? तो देखिए बाइंग के टाइम पे उसका प्राइस था 100, सेलिंग के टाइम पे उसका प्राइस है 108। तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे, ये आपका किससे डिवाइड होगा बोलिए, ये आपका 4 से डिवाइड होगा, तो 25:27। ठीक है, प्राइस का हमारे पास रेशियो आ गया है। अब हम क्वांटिटी को लेकर डील करेंगे, तो बाइंग के टाइम पे क्या हो रहा है और सेलिंग के टाइम पे क्या हो रहा है। बाइंग के टाइम पे 1 किलोग्राम बोला गया है, मतलब 1000 ग्राम वो खरीद रहा है, जिस प्राइस पे उसी प्राइस पे वो क्या कर रहा है, 900 ग्राम सेल कर रहा है। तो क्वांटिटी की रेशियो कितनी आ गई, 10:9। यहाँ तक बात समझ में आया? यहाँ तक क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में ही हुआ था। यहाँ इस क्वेश्चन में कुछ डिफरेंस नहीं, बस ये वाले पार्ट का आपका डिफरेंस था कि आपको सेलिंग प्राइस निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्वांटिटी को फिर से इक्वेट करेंगे, तो ये आपका इंटू 9 हो गया 90, और ये आपका इंटू 10 हो गया तो 90। तो पहले हमने 9 से मल्टीप्लाई किया था, तो ये आपका कितना हो गया 225, और इसको 10 से मल्टीप्लाई किया था तो ये कितना हो गया था 270। इन दोनों के बीच में आपका गैप है 45 का, मतलब प्रॉफिट। ठीक है, सेलिंग प्राइस आपके बाइंग प्राइस से ज़्यादा है तो प्रॉफिट है। कितना परसेंटेज, अगर मुझे परसेंटेज प्रॉफिट यहाँ पे बोला गया है, तो ये कितना हो गया, 45 डिवाइडेड बाई जो बाइंग प्राइस है, बाइंग की प्राइस कितनी है 225 इंटू 100। ठीक है, 45 5 होता है 225, यहाँ पे आंसर आपका हो गया 20% आंसर सीट्स। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन बिल्कुल? अगर नहीं समझ में आया, रिपीट करके देखिए एक बार, अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए। आप कोई भी क्वेश्चन पेपर में, कोई भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, आपसे कभी गलती नहीं होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर मार्क्स अप द प्राइस ऑफ हिज गुड्स बाय 20% एंड गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 10% टू द कस्टमर। ठीक है, तो देखिए पिछले क्वेश्चन की तरह तो ये हो गया कि आपका कॉस्ट प्राइस है, सेम चीज़ मार्क प्राइस है, सेलिंग प्राइस है। मैंने बस पिछले क्वेश्चन को ही थोड़ा मॉडिफाई किया है, यहाँ पे एक्स्ट्रा जो आपका इन्फॉर्मेशन है वो ऐड किया है। बस मैं ये आपको सीधे सीधे वैसे ही लिख देता हूँ जो आपको पिछले क्वेश्चन में लिखाया था। 20% का प्रॉफिट हुआ, फिर 10% का डिस्काउंट होके ये 108 हो गया। अब बोला क्या गया है, पिछले क्वेश्चन में आप वो सिर्फ सेलिंग के टाइम पे फॉल्स वेट्स यूज़ कर रहा था, यहाँ पे बाइंग और सेलिंग दोनों टाइम पे वो फॉल्स वेट यूज़ करके कितना गेन कर रहा है, 100 ग्राम्स। तो देखिए यहाँ पे क्वांटिटी जो हो गया वो बाइंग के टाइम पे कितना हो रहा है, 1100। ठीक है, सॉरी 1100, यस। और सेलिंग के टाइम पे उसको 100 जो ग्राम है, 100 ग्राम का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब वो सेल कितना कर रहा है, 900 ग्राम। तो क्वांटिटी के रेशियो कितनी आ गई, 11:9। ये वाला पार्ट आपको समझ में आया, सेलिंग के टाइम पे वो फॉल्स वेट यूज़ करके 100 ग्राम ग्रेन कर रहा है, मतलब जिस प्राइस में उसको 1 किलोग्राम मिलना था, मतलब 1000 ग्राम उसको मिलना था, वहाँ पे उसके बदले वो क्या 100 ग्राम ज़्यादा उठा के ले आ रहा है, तो मतलब 1100 ग्राम वहाँ पे वो बाई कर रहा है। तो क्वांटिटी की रेशियो आ गई, और प्राइस का रेशियो कितना हुआ आपका बाइंग के टाइम पे और सेलिंग के टाइम पे। अगर मैं देख लूँ, बाइंग का तो 100 है, सेलिंग का 108 है, तो रेशियो कितना आ गया, 25:27। तो वहीं पिछले क्वेश्चन की तरह आपको क्वांटिटी को इक्वेट करना है, तो 11:9 आपका हो गया 99, और 9:11 आपका हो गया 99। तो यहाँ भी मैं सेम चीज़ करूँगा, 25 को आपको मल्टीप्लाई करना है 9 से, यहाँ पे 225 आ गया, 27 को आपको 11 से मल्टीप्लाई करना है, ये 297 आ गया। इन दोनों के बीच में गैप कितने का हुआ, इन दोनों के बीच में आपका गैप है 72 का। तो यहाँ पे प्रॉफिट है, जाहिर सी बात है सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितने का है, 72 डिवाइडेड बाई 225 इंटू 100। ठीक है, या आपके 25 से कट गया 4, या आपके 25 से कट गया 9, 9 8 72, तो आपका आंसर आ गया 32% बी आंसर। ठीक है, समझ में आया? देखिए कितने सही तरीके से, अच्छे तरीके से, बिल्कुल कंसेप्ट वाइज आपका क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, वो भी बहुत कम टाइम में। ओके, चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन।
A dishonest shopkeeper marks up his goods by 80% and gives a discount of 25%. तो सेम थोड़ा क्वेश्चन वैसा ही है, मैं बस आपके रिवीजन के लिए क्वेश्चन मैंने ऐड किया ताकि आपको एक और बार रिवाइज हो जाए. ओके, कभी आप ना भूलो ये क्वेश्चन कैसे करना है. तो कॉस्ट प्राइस 100 है, उसके ऊपर 80% से वो मार्कअप हो रहा है, मतलब 180 हो गया. ठीक है, अब उसके ऊपर वो 25% का डिस्काउंट दे रहा है. तो इसको आप वर्बली कैसे करोगे, 25% मतलब क्या होता है, 1/4 है ना. तो यहाँ से 180 का 1/4 कितना होता है, 45. तो 45 यहाँ से आपको माइनस करना है 135. तो अगर मैं प्राइस को लेके बात करूँ तो बाइंग और सेलिंग आ गया. बाइंग के टाइम पे प्राइस है 100 और सेलिंग के टाइम पे प्राइस है 135. ठीक है, इन दोनों को अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूँ तो ये हो गया आपका 20, ये हो गया आपका 27. तो मेरे प्राइस का जो क्वांटिटी रेशियो है वो आ गया. अब क्वांटिटी में क्या बोला जा रहा है, बिसाइड्स ही यूजेस फॉल्स वेट्स टू गेट 20% मोर अमाउंट पर किलोग्राम वाइल परचेसिंग. तो खरीदने के टाइम पे उसको कितना हो रहा है, अगर 1000 ग्राम है, 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम, तो वहां पे वो 1200 ग्राम खरीद के ला रहा है. ठीक है, 20% मोर अमाउंट वाइल बाइंग बोला है, और सेलिंग के टाइम पे 10% लेस बोला है, मतलब 900 ग्राम वो सेल कर रहा है. ठीक है, ये समझ में आया ना, ये हर क्वेश्चन में वही चीज मैं फॉलो कर रहा हूँ, यहाँ भी वही है. तो यहाँ पे रेशियो कितना हो गया है उसके लिए, 4:3, क्वांटिटी का रेशियो 4:3. अब आप, मैंने क्या बोला था आपको, क्वांटिटी को है उसको इक्वेट करना है. तो इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 12, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी आ गया 12. इसका मतलब यहाँ भी सेम चीज रिपीट करेंगे, ये हो गया आपका 60 और ये हो गया आपका 108. 48 यहाँ पे प्लस हो रहा है, मतलब सेलिंग जो क्वांटिटी है वो 48 यूनिट ज़्यादा है, मतलब प्रॉफिट का केस है. तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, 48 डिवाइडेड बाई 60 जो बाइंग प्राइस है उससे इंटू 100. ये 6 से आपका कट हो गया 8 और ये 6 से कट हो गया 10, तो आपका आंसर आ गया 80%. ओके, ये आपका आंसर आ गया 80%. ठीक है, सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे आशा करता हूँ. इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था. अगर आपने जो भी क्वेश्चंस अगर आपको नहीं समझ में आए तो बार बार वीडियो को रिपीट करके देखिए. ठीक है, इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस के सारे वीडियोस भी आप कवर कर सकते हैं. प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो. अगर अभी आपको एक आइकन दिख रहा होगा, आप वीडियो को लाइक पक्के से कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो प्रिपरेशन कर रहे हैं. प्रॉफिट एंड लॉस के सारे वीडियोज़ भी आप जाके देखिए, और हाँ, मिक्सचर एलिगेशन के भी वीडियोज़ आप देखिए, सभी लिंक्स आपको अभी दिख रहे हैं, प्लस डिस्क्रिप्शन में भी उनके लिंक दिए हुए. चलिए इसी के साथ गुड बाय करते हैं. All the best for your preparation.